Hi everyone, I'm Mohammad Hafiz. You are watching Match Point with Dr. Adnan. Hey guys, this is Colin Munro and you're watching Match Point with Dr. Adnan. मैं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं मैच पॉइंट विद डॉक्टर अदनान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शदाब खान और आप देख रहे हैं मैच पॉइंट डॉक्टर अदनान के साथ। हाय, मैं हूं कामरान अकमल, आप देख रहे हैं मैच पॉइंट डॉक्टर अदनान के साथ। I'm Luke Rumke and you're watching Match Point. Hi guys, this is Shoaib Malik and you are watching Match Point with Dr. Adnan. Thanks. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ गए हैं मैच पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैच पॉइंट जो है वो लाइव ट्रांसमिशन है PSL 2020 की, जो कि नॉर्थ अमेरिका से जो है मैं डॉक्टर अदनान ज़ीशान आपके लिए लेकर आते हैं। आप ये प्रोग्राम जो है हमारा ई आवाज़ TV पे जो है बराह रास्त देख रहे हैं इस वक्त, और ई आवाज़ के ही नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी जो है आप हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो, कोई हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे नाज़रीन, हमारा नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है 6477257892। तो ये नंबर जो हमारा 7892 जो है स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त। आज जैसा कि हम सबको मालूम है कि दो मैच खेले गए, पहला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान हुआ और दूसरा मैच जो है वो कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान हुआ। प्रोग्राम में बिल्कुल जो है डॉक्टर अदनान को ज़ीशान को खुश आमदीद करेंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय जूम। जूम इज़ अ पेपाल सर्विस XOOM, आप अपने मोबाइल्स में इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल उंगली के इशारे से जो है आप पैसे जो हैं वो दुनिया भर में भेज सकते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन्स में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए XOOM। तो बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, जो हमारे साथ दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ज़ीशान और डॉक्टर अदनान हमारे साथ शामिल हैं, उनके प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान ज़ीशान जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान जी। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। डॉक्टर अदनान ज़ीशान, मेरे ख्याल से आज जो हुआ, मेरे ख्याल से सारे जो हैं वो लाहौर कलंदर के जो हमारे फैंस हैं, और जो कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे ज़ीशान ने भी बात की थी, आपने भी और हमने भी बात की थी, आज जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेला गया, उस पर बिल्कुल बात करेंगे। मेरे ख्याल से हम प्रोग्राम को बहुत तेज़ करेंगे क्योंकि आज बहुत सी खबरें हैं नाज़रीन आपके लिए। मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, उस पर भी बात करनी है। डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं। अब आज जितने भी जो लाहौर के फ़ैन्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लाहौर के अगर कोई फ़ैन्स हमें देख रहे हैं तो बिल्कुल हमें मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। डॉक्टर अदनान, मेरे ख्याल से हम क्विकली जो है वो हेडलाइंस की तरफ मूव करते हैं, फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर अदनान जी, फर्स्ट ऑफ ऑल टुवर्ड्स द हेडलाइन, मेरे दोनों साथियों ने ये नहीं पूछा कि मैंने ग्लासेस क्यों पहन रखे हैं। ग्लासेस इसलिए पहन रखे हैं कि कदाफी स्टेडियम में मुझे बॉल नजर नहीं आ रही थी। जिन्हें कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा, तो हम प्रोग्राम का आगाज इस खबर से करेंगे कि जिन्हें डंक नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। लाहौर अराइव्स फाइनली एट द पाकिस्तान सुपर लीग्स पार्टी, देयर वाज द फेस्टिवल ऑफ सक्सेस। यू हैव हर्ड ऑफ द फेस्टिवल ऑफ मैंगोज, but there was the festival of sixes and you don't need to be a lahori to be a kalandar. Ben Dunk does it again. Lahore kalandars are not anymore, they are now moved up to the points table, and now Quetta gladiators have to go on the last position with the four needed of the six ball hit a six again straight to the dugout of the Lahore kalandars. What a classic finish and what a run chase. And finally, Kalandars upsetting the arch rivals Karachi Kings, one of the strongest contenders of this PSL 5. Sultan,
जिनकी खबर मुझे पहले देना थी, लेकिन ये मैच इस खबर को दूसरे नंबर पर लेके आ गया कि मुल्तान सुल्तान हैव बिकम द फर्स्ट टीम ऑफ द पीएसएल 5 पीएसएल 2022 क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 2020. सुल्तान्स आर सेफ नाउ. हिस्ट्री क्रिएटेड इन द मेलबर्न टुडे. Another segment and another news, and the cricket is tilting towards the other globe of the world, and that globe and that hemisphere is the Oceania zone, Australia. Full credit to the ICC for developing and promoting women's cricket to a point that over 86,000 people have attended the Melbourne cricket ground in the grand finale of Australia versus India, and the quality game and the quality of the women's cricket today, which was never better than before. And congrats and congratulations to the Australia, an emphatic win over the arch rivals India, another title for Australia. Australia made 184/4, which is the highest ever total in all the T20 World Cups, a part of the genders, whether it is a male, whether it is a female. In fact, it was 23 runs more than the previous best, which is 161 made by the West Indies at the Eden Gardens, Kolkata in 2016. Coming back to the Pakistan Super League in the next headline, Ben Dunk. The Lahore crowd is almost like over 12th man. Ben Dunk was very happy with the Lahoris and he was saying ki mujhe laga ki Ben Dunk ne kaha ki ground mein jo log the wo hamari team ka hissa the. We start to build momentum in the game and you feel the crowd getting louder and louder, and I want them to back up us in the next game and we to the playoffs. Ben Dunk ka kehna hai ki this is one of the top class leagues in the world. The standard of the Pakistan Super League is very high and every team you come across is full of world class players. Just to get any win in this tournament, you have to play real good cricket. It's not a fluke, it's not a joke. Come on guys, it's PSL, Pakistan Super League, the biggest brand of Pakistan. Ben Dunk ka kehna hai ki I'm just really happy and blessed that I have been given the opportunity to play in this league. And along with these cricketers, there are so many people who are wishing, so many cricketers who are willing to play in this tournament, both locally and around the world, and they are not getting a chance. He's not taken it for a granted. He is saying he's privileged to be a part of the Pakistan Super League. Dean Jones, tank of Karachi Kings, with not in the red book, with the blue book. He says it was a terrific game of cricket and Ben Dunk was outstanding and he took the game away from us and he played one of the greatest knocks of the PSL. A very impressive win for Lahore Qalandars. Kota Gladiators now at the bottom of the tables. Three spots in the playoff still now up for the grab. Dekhte hain ki ye tino points kaun si teamein pakdengi. Ben Dunk in this last four matches across 6 days, 23 chakke, 13 choke, 23 sixes, 13 fours is the biggest tally of any league, whether it is an Indian Premier League, whether it's a Pakistan Super League, Bangladesh Premier League, or the BBL. Ye chakkon ki ek bochhar thi, jiska zikr hum show ke duran karenge. Next headline is again regarding the PSL history of sixes, that Ben Dunk has broken his own record of the PSL sixes in this one match with 10 sixes 5 days ago, and now the new record after 5 days, Ben Dunk with 12 sixes, and Umar Akmal remains in the PSL 1 with 8 sixes along with Sharjeel Khan, Kevin Peterson, Kamran Akmal and Colin Ingram, all in the previous PSL seasons. Colin Munro, another exciting game with a Multan Islamabad United, the first game, Colin Munro on his exchange of words, a heated action along with Imran Tahir on a celebration when he was dismissed him. He said that I am tired of seeing this guy and celebrating like this, and I called him a clown and he took it a wrong way, and then you saw and everyone saw that what he said to me, and so we will leave it to that. He was not happy of obviously at all. Next big news is regarding the Pakistan international cricket, that the British High Commissioner to the Pakistan, Dr. Christian Turner, he recently visited Pakistan, and he says that also the recent visits by the Duke and the Duchess of Cambridge and the MCC team are the proof that the security position in the Pakistan is very great, superb, and is getting better by better. And English players are playing in the Pakistan Super League. And they have given that
जो प्लेयर्स यहां पर खेल रहे हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है इंग्लिश प्लेयर्स का, एंड इंग्लिश टीम इज ऑल सेट टू कम टू पाकिस्तान, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टूर आफ्टर 12 इयर्स व्हेन इंग्लिश टीम विल अराइव इन पाकिस्तान. लेकिन अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई कि डेट्स क्या होंगी, बट द टूर विल बी सून अनाउंस्ड एंड व्हेनेवर विल बी अनाउंस्ड इट विल बी अ पार्ट ऑफ द मैच पॉइंट. एलेक्स सेल्स, जहां पर बात करेंगे इंग्लिश क्रिकेटर्स की, तो वहीं पर प्रोडक्शन टीम के पास बड़ी जबरदस्त तस्वीर पड़ी हुई है एक होटल की. अगर वो लाइन अप हो जाए, हम दिखाना चाहें कि एलेक्स सेल्स, जिनका ताल्लुक कराची किंग्स से है और बड़ा जबरदस्त खेलती है और क्या खूब खेलते हैं, आज भी बड़ा अच्छा खेले, लेकिन क्या कीजिए कि आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों आमने सामने आ गए. एलेक्स सेल्स वर्सेज एलेक्स सेल्स, उनका आमना सामना हो गया बेन डंग के साथ. तो एक दिन में एक इनिंग्स खास होती है, ये देखिए जी आपके सामने, जहां पर एक तरफ दुम्बा बना हुआ है और लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिश 1990, लेकिन दिखाने का मकसद आपको दुम्बा नहीं है, बल्कि दिखाने का मकसद ये है कि ये एलेक्स सेल्स का फेवरेट रेस्टोरेंट है. उन्होंने कहा है कि आई विल मिस इट एंड आई विल सर्च इट व्हेन आई विल गो बैक टू द पाकिस्तान, व्हेन आई विल गो बैक टू द इंग्लैंड, and I will search it in the Pakistani rich areas like Birmingham and Manchester. Hopefully he will get the Shanwari kadai over there. Next news, aapko dikhana chahenge dobara picture ke saath. पिक्चर अगर दिखा सके प्रोडक्शन टीम के, एक लाहौर कलंदर के जो मैनेजमेंट है वो फूल पेश कर रहे हैं किसी शख्स को, होटल के अंदर फूल पेश किए जा रहे हैं. ये बुके ऑफ फ्लावर्स है फॉर निबा रिजवान फ्रॉम लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट फॉर ड्रॉपिंग डंक ऑन 11. Thank you very much, Niba Rizwan. You have dropped Ben Dunk on 11. With a courtesy of this dropped catch, he went on 99 with the most destructive innings in the Pakistan Super League. Next news is regarding the women cricket. This is a brilliant idea to pay tribute to our women cricket team. Happy Women's Day to all the women who are watching Match Point. Women cricketers are obviously important as the men cricketers. Women cricketers giving Pakistan the Pakistan crowd and the Pakistan team players the talk of lifetime before the matches. You can see in the pictures, lot of pictures with us for this. And the teams ahead of the games, they were having the opportunity to talk with the women cricketers. There was a lovely gesture. You can see the vice captain of the Pakistan's women team, Jhaveria Khan, with the Karachi team. If you can see the other picture with the Karachi Kings, with the Jhaveria Khan, she is the vice captain of the Pakistan women's team. Presented the team cap of King's Huddle. She also gave the preparation talk. You can see now Jhaveria. Jhaveria is with the Imad and Amir. She is in the center of the huddle and she is giving tips to the Kings and also gave a preparation talk before the team look out on the field. Aur jo pehle tasveer aapne dekhi thi Lahore Kalandar ki shirt pehne hue khiladi ki, she is Diana Beg from the Hunza. Inka taluk Hunza se hai and she was giving the preparation talk to the Lahore Kalandar's teams in the huddle ahead of the Lahore Kalandar's versus Karachi Kings contest. Typical ek jo cricket scenario hota hai jisme एक छोटा सा हडल होता है और मिलके गेम प्लान बताया जाता है. दिस वाज जस्ट टू कीप द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अलाइव. आपने देखा कि बेन डंग जो है वो कितनी एहतियात से जो है वो उनकी बात सुन रहे हैं. अगर आप वो तस्वीर दोबारा दिखा सकें, ये देखिए बेन डंग उनकी बात आगे होके सुन रही है कि शायद यही वो गुत्थी थी जो उन्होंने सुलझा ली डायना की बात सुन के कि आज क्या होने जा रहा है. एंड दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ द रियल पीसीबी क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल वुमेन डे एक्टिविटीज. अब एक और तस्वीर देखेंगे जी हम, जहां पर एक स्विमर खड़ी हुई है किरण खान. नेक्स्ट हेडलाइन इज आल्सो रिगार्डिंग दैट किरण खान वाज द पार्ट ऑफ द टुडेज इंपॉर्टेंट मैच अलोंग विद. ये देखिए किरण खान, शी इज द ओलंपिक स्विमर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट जस्ट 13 इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2002. उनकी उम्र महज उस वक्त 13 साल थी. एंड ओवर द कोर्स ऑफ हिज करियर किरण खान बैग 327 national gold medals and 47 medals in the international competition, and up to the date in the Pakistan's history, this is a national record which no one can dare to beat it. Back to the PSL, आखिरी दो तीन खबरें हमारे पास हैं. Most sixes in the PSL season so far. इस सीजन के अंदर जो है, एक सीजन के अंदर जो है, अब 16 छक्के बेन डंग के पास हैं, 15 शादाब खान के साथ हैं और 15 कॉलन मंद्रो एंड बेन डंक इज टॉपिंग दैट. और अब जो लास्ट पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हम कुछ ग्राउंड्स मैन बैठे हुए हैं पिंडी के स्टेडियम में, अगर हम दिखा सके 5-6 शख्स जैकेट पहने बैठे हुए हैं
These are our unsung heroes. They are also हमारे heroes, इनको कह सकती है. Excellent work by the production team with the nicely timed pictures for our viewers. Their efforts should be recognized by everyone. The five supermen of the chief groundsman जो आज जिन्होंने मुमकिन बनाया मुल्तान और रावलपिंडी का मैच, क्योंकि ये बारिश की नजर होने जा रहा था. The chief groundsman जो पहले आपको नजर आ रही है कैप के अंदर, he is मोहम्मद अशरफ जो टीम लीडर है, और उसके बाद राइट साइड पे आपको मोहम्मद तनवीर नजर आ रहे हैं, और नेक्स्ट पे ब्लू शर्ट के अंदर जाहिद इकबाल, फिर मोहम्मद रशीद और मोहम्मद सरफराज, और आखिर में नुमान सादिक आपको पीछे नजर आ रही है. एक्सीलेंट वर्क, इनके बगैर आज क्रिकेट नहीं हो सकती थी. दिस इज इट फ्रॉम द हेडलाइंस एंड बैक टू द स्टूडियोज, जहां से हम कुछ फनी पिक्चर्स मैच की, मुझे मालूम है कि हमारी टीम ने काफी कंपाइल की है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे तमाम पिक्चर्स बिफोर कमिंग टू द शो. जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर नान, बहुत जबरदस्त, और जिस तरीके से आपने जो हेडलाइंस दी जो है वो काबिली, काफी लोग जो है इसको पसंद भी कर रहे हैं हमारी हेडलाइंस के सेगमेंट्स के. अच्छा अब जो है वो आज के मैच पे आए थे मेरे ख्याल से जिशान, आप जो हैं क्योंकि जो है वो आज काफी जो है वो एक्टिव भी रहे, काफी मैचेस में आपके मैं देख रहा था पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल से पहला मैच जो खेला गया मुल्तान सुल्तान पे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और डॉक्टर दनान की एक बात जो है वो कुछ गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में अगर जिशान आपको भी याद हो तो इन्होंने एक प्रडिक्शन की थी कि ये जो निशानियां हैं वो कप उठाने वाली निशानियां कुछ लग रही हैं. एक खास टीम के लिए वर्ड यूज़ किया, बिल्कुल अगर नाजरीन ने वो सुना है प्रोग्राम तो आप बिल्कुल उस टीम का नाम बताइए जिसके बारे में डॉक्टर अदनान ने कहा था कि उसके लिए जो कुछ निशानियाँ ऐसी ज़ाहिर हो रही हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो टीम जो है वो कप उठा लेगी. और आज भी जिस तरह से मैचेस जो हुए दोनों, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो टीम इसमें कौन सी थी, लेकिन इन चारों में से थी ज़रूर. जी जिशान क्या कहेंगे, कुछ निशानियां की बातें हुई आज पहला मैच मेरे ख्याल से हमारे साथ पहला कॉलर जी जी बिल्कुल निशानियां आ गई. वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी अपना नाम बताइए जी. मुझे मैं तुफैल बात कर रहा हूं. जी तुफैल भाई कैसे हैं आप? जी भैया मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था. भाई जी पूछिए. हेलो जी पूछिए. जी 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 तो फैल भाई बोलिए. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. जी वालेकुम सलाम तो फैल भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक. मैं ये पूछ रहा था भैया, ये बताएं जरा सा कि हम प्लेयरों को लाएंगे कहां से अपनी क्रिकेट के लिए, नेशनल टीम के लिए, क्योंकि जो हमने देखा था वो तो देखा था कि ग्राउंड से उठते थे लोग और उसके बाद जो है वो गलियों में खेल के ग्राउंडों में आते थे, और उसके बाद जो है वो तीन रोजा मैच के लिए सिलेक्ट होते थे, फिर कायदे आजम ट्रॉफी और वो नेशनल टीम में आते थे. अब सिर्फ दो चीजें हैं, या तो आप जो है वो डायरेक्ट आएंगे कि आपको किसी भी बड़े जो है वो क्लब के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, जैसे राशिद लतीफ हैं या आपके मोइन खान हैं, किसी क्लब को ज्वाइन करें, और वरना आप जो है वो फिर किसी के भतीजे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भांजे हैं. मतलब मुझे तो अभी तक नजर नहीं आया जो डोमेस्टिक क्रिकेट से कोई ऐसा सितारा नजर आया हो इस लीग में जिसको आप ये कह सकें कि आगे जाके आएगा. इवन के हम लड़ रहे हैं सारे प्लेयर ओपनर से लेके और बॉलर सारे, या तो वो पुराने खेलेंगे, अभी जब आप टीम चुनेंगे तो वही हफीज आएंगे, वही आपको जो है वो अहमद शहजाद को लेना पड़ेगा, फखरे आलम हमारा वो आफरीदी की तरह 8-10 साल के लिए ओपनर सेलेक्ट हो गया है क्योंकि उसने एक 100 किए थे इंडिया के खिलाफ, तो कोई आप उसी जगह देखें कि उनके रिटायर होने के बाद भी कल जो है वो तेंदुलकर ने जो है वो 40 मार दिए और सहवाग ने जो है 75 मार दिए इस एज में भी, तो क्या वजह है कि हमारे जवान प्लेयर भी नहीं कर पाते, ये प्लीज जवाब दे. तुफैल भाई देखे, जिस तरह हमने बात की थी फखर के बारे में कि फखर की जगह तो लाहौर कलंदर में भी अभी नहीं बन रही, अगर फ्यूचर में लाहौर कलंदर को आगे जाना है तो उनको फखर को फखर की जगह नहीं बन रही, उनको बोल्ड डिसीजन लेना होगा जो अभी तक कलंदर की मैनेजमेंट नहीं ले रही. तो लेकिन जो आपकी बात है कि डेवलपमेंट की, कि अब तो मुझे लगता है कि नेशनल जो T20 आपके कप हो रहे हैं और जो नेशनल जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनसे काफी लड़के पिक किए जा रहे हैं, आल्दो के देर आए दुरुस्त आए. आबिद अली उसकी एक जिंदा मिसाल है कि आबिद अली को उनमें से लिया गया है. देखिए थोड़ा बहुत तो वो हर जगह ही, लेकिन हमने कब लिया डॉक्टर साहब आबिद अली को, वो बेचारा जब रिटायरमेंट के पास था. हाँ लेट लिया, ऑब्वियसली लेट लिया, मैं तो ये पूछ रहा हूं शाइन कब नजर आएगी हमें, क्योंकि पाकिस्तान के पीएम तो ये शुरू से ही कहते रहे ना कि शेफील्ड जैसे हम लड़ना कीपर के लिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, कामरान अकमल को ले आओ या जो है वो सरफराज को ले आओ, ठीक है ना. अगर हम उसमें देखें तो आप देखें गिलक्रिस्ट उस वक्त गया जब टॉप पे था, आप देखें संगाकारा उस वक्त गया जब 4 सेंचुरियां बनाई थी वर्ल्ड कप में, तो हमारे जाने का तो तस्वीर निकाल देते हैं, वो भी बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा क्यों है?
देखें दफैल भाई, जब तक यहाँ पर वो काउंटी क्रिकेट वाला सिस्टम नहीं होगा जो आप पीसीबी इंट्रोड्यूस कराने लगी है, या शेफील्ड वाला सिस्टम नहीं होगा, तब तक ये खिलाड़ी बाहर नहीं आ सकते। आप देखें ना कि उनकी क्रिकेट कितनी स्ट्रांग है, काउंटी क्रिकेट, शेफील्ड क्रिकेट। और अगर आप बैक टू द आपने गिलक्रिस्ट की बात की, तो आप ये देखिए ना कि उनकी एंट्री भी कब होती है। चले आबिद अली तो खैर लेट आए थोड़ा, लेकिन गिलक्रिस्ट और हेडन या माइकल बेवन ये कब आए, इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली सिवाय ब्रेट ली के। ब्रेट ली थोड़ा सा अर्ली आ गए थे। बड़े बड़े नाम जो थे मुझे याद है, जस्टिन लैंगर, एडम गिलक्रिस्ट, माइकल बेवन, ये कब आए अपनी मेच्योर क्रिकेट खेल के प्रूव करके। और जब आए तो गिलक्रिस्ट पता भूल गया कि उन्होंने माइकल हसी, माइक हसी हसी एक्यूरेटली, तो देखें वो बताते हैं गिलक्रिस्ट गिली बताया करते थे मेरी एक बार उनसे वहां जब सिटिंग हुई दुबई में, तो वो बता रहे थे हमें कि वो जब आए तो उनका जो पहला मैच जब उनको ऑस्ट्रेलियन कैप दी गई तो वो ब्रिस्बेन गाबा में दी गई जो इयन हेली का गढ़ था, और पूरे क्राउड की तरफ से उनको बूज मिल रहे थे क्योंकि उनके आने की वजह से इयन हेली को जो वेटरन विकेट कीपर थे उनको ड्रॉप किया गया था। तो फिर जब आगे से गिलक्रिस्ट का अगर आप टर्न्योर देखें तो वो टर्न्योर भी कोई इतना लंबा नहीं है मोहम्मद इरफान की तरह और दूसरे उन प्लेयर्स की तरह जिनकी क्रिकेट लेट शुरू हुई उनका, या आपके जो स्पिनर है मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा, आपके जो मिसबा के जो लास्ट टू टेस्ट मैचेस थे उनमें आपके पास स्पिनर थे एक जो शारजा में भी गए थे, उनकी क्रिकेट भी बड़ी लेट शुरू हुई, कुछ देर में मुझे नाम क्लिक हो जाएगा। बाबर वॉज 38 एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज इंडक्टेड इनटू द क्रिकेट। तो देखिए अब क्योंकि अभी तक कोई सिस्टम तो आपके पास है नहीं, लेकिन इवन जब सिस्टम होगा भी तो किसी सिस्टम के अंदर भी 17 years, 16 years, 14 years, ये तो ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान है नसीम शाह को उठाना। कोई भी जो है 14 से लेके 17 तक के लड़के जो है वो नहीं उठा रहा अनटिल दे गेट मेच्योरिटी, अनटिल दे प्रूव देमसेल्व्स इन द लीग। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर ट्विटर पे कि बेशुमार लड़कों का नाम हो रहा है कि उन्होंने नेशनल T20 पे परफॉर्मेंस दी, उसने दिया, लेकिन उनको महज एक दो परफॉर्मेंस पे नहीं लेके आ सकते। तो क्यों नहीं लेके आ सकते कि जब तक आप ये सिस्टम नहीं करेंगे शेफील्ड वाला, तब तक यही ज्यादतियां होती रहेंगी कि वो क्यों नहीं आ सका, वो तो आ गया था, इमाद तो आ गए थे, दूसरा नहीं आया, इंतजाम के भांजे आ गए थे, वो फलाना लड़का नहीं आ सका। लेकिन जब वो सिस्टम होगा उस सिस्टम में से खेल के आएंगे, प्रूव करके फाइनल तक टीम को लेके आएंगे, जितवा के जाएंगे, देन देयर इज अ प्रूफ, यू कैन पिक अप द प्लेयर्स। नहीं सॉरी सॉरी आपकी बात को कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं एक चीज और भी इसमें थोड़ा सा समझता हूँ कि आप ये देखें, आपने बैरल क्रिकेट मुझे पता है कितनी देखी खेली, तो आप ये बताएं कि पहले जब प्लेयर आता था तो प्लेयर के साथ ये होता था कि वो डोमेस्टिक में रन करके आता था। अब प्रॉब्लम ये है कि कराची और लाहौर जो सबसे बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उसकी डोमेस्टिक जिन ग्राउंडों पे होती, जिन ग्राउंडों में लोगों ने खेला वाकई में क्रिकेट, ठीक है ना, वहां पर आज सिर्फ जुम्मा बाजार और इतवार बाजार लग रहे हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपने तबाह कर दी, प्लेयर आप कहां से लेकर आएंगे, वो तो है। लेकिन तो फैल भी आपस की बात है कि वो ब्रीफ केस लेके चलते थे और वो कहते थे जी मैंने देखे इसमें 80 किए थे, पीआईए के खिलाफ 40 किए थे, केपीटी के खिलाफ 80 किए थे, तो वो लोग देख के उसको 3 रोजा में चांस देते थे। आज तो कह रहे जी मोइन खान का बेटा है आ जाओ जी, आफरीदी का भाई है आ जाओ जी, इंजमाम का भतीजा है आ जाओ जी, तो मतलब ये तो बिल्कुल क्रिकेट तबाह हो गई है। देखिए अब पीएम आ गए हैं तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ मुझे ये बताइए तो फैल भाई एक जो क्वेश्चन है कि जो जिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की, जो टीमें हुआ करती थी हबीब बैंक, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी उसका भी मुझे आप कंपेयर करके स्टैंडर्ड बता देना कि क्या उसका स्टैंडर्ड शेफील्ड क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट जैसा था। आपके जो मायानाज बॉलर और ऑलराउंडर होते थे इमरान खान, वो अपने 1992 में रिटायर हुए, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं कि पीआईए के लिए उन्होंने आखिरी मैच कब खेला था, क्योंकि मुझे तो याद है आखिरी मैच उन्होंने कब खेला था। तो जावेद मियादाद ठीक है कुछ अरसा खेलते रहे हबीब बैंक के साथ, लेकिन जावेद मियादाद आप देखिए खेलते रहे, बाकी लोगों के नाम थे, फिर वो जब पैसा आ गया तो वो कट गए। लेकिन इसी तरह जब आप डिपार्टमेंटल, जब आप शेफील्ड देखते हैं या काउंटी देखते हैं तो बॉब विलिस, विव रिचर्ड्स, इयन बोथम, ये बड़े बड़े जो नाम थे जो समरसेट से खेले, आपके इंग्लिश कैप्टन जो थे एलेक्स स्टुअर्ट और जो वसीम अकरम के साथी थे लंका शायर में, आप उनकी लाइफ देखिए कि वो कब तक खेलते रहे। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर उठा लें आप तो वो कब तक खेलते रहे शेफील्ड में। तो आप तो मसला क्या है कि ये मसला नहीं कि वो कब तक खेलते रहे, मसला ये है कि जब वो खेलते रहे अपने लेट थर्टीज तक
उस दौरान 17 ईयर का लड़का भी उनके साथ खेलता था। जब वो ब्लेंड होते थे तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ शेफील्ड और काउंटी क्रिकेट, वो चीज जो अब आपको पीएसएल में मिल रही है, क्योंकि पीएसएल ना होती तो आपको ये चीज ना मिलती। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम, तो काउंटी का और उसका फायदा ये है शेफील्ड का और जो रीजनल मैचेस का, कि अगर वहां पर भी ऐसे ही मैचेस होंगे पीएसएल की तरह, ऐसे ही दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो दैट इज अ ट्रू ग्रूमिंग, और वहां से लड़के पिक होंगे, क्योंकि पीएसएल से लड़के पिक होकर टेस्ट के अंदर नहीं जा सकते। आपने देखा कि इनका क्या हालत बनाई मोहम्मद हुसैन की ऑस्ट्रेलिया में, क्या हालत बनाई नसीम शाह की, मूसा की, इनको कैसे एक्सपोज किया गया। आई एम अगेंस्ट दैट। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमारा क्राइटेरिया क्या है टीम को चुनने का, T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान किस बेस पे लेगा, मतलब आया वही शोएब मलिक दोबारा आएंगे, हो सकता है अफरीदी वापस आ जाएं, क्या मतलब क्राइटेरिया होगा? अफरीदी तो खैर वापस नहीं आते, लेकिन शोएब मलिक ने तो पहले ही अंदिया दे दिया है कि ये उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा। लेकिन इसका जवाब तो तवेल भाई अब पीसीबी के करता धरता ही बता सकते हैं कि व्हाट दे विल डू नेक्स्ट और उनका क्या क्राइटेरिया है। लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें जा रही हैं हम सभी देख रहे हैं, डकेचो भी देख रहे हैं, ओपनली भी देख रहे हैं, बट वी कैंट कॉमेंट ऑन दैट मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तफेल भाई, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया तफेल भाई। मैं थोड़ा सा यहाँ मैं बताता चलूँ मेरी जो अपनी राय है। डॉक्टर साहब आमिर, हमने वर्ल्ड कप में भी इस पे काफी हमने बात की थी डोमेस्टिक क्रिकेट की, उसको बेहतर होना चाहिए, उसमें तरजीह आनी चाहिए ताकि हमारा जो टैलेंट है वो सामने आए। हमने सिर्फ जो टीम सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया रखा है वो सिर्फ पीएसएल, अगर देखा जाए तो पीएसएल से हम ओडीआई भी टीम सेलेक्ट करते हैं, T20 भी सेलेक्ट करते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी सेलेक्ट करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप देखें कि शान मसूद का नाम आता है, लेकिन वो पीएसएल में, मैं पिछले 3-4 जो पीएसएल हुए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन शान मसूद आ जाता है। फवाद आलम उनको आपने अपनी टीम में लिया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 3 टेस्ट मैच खेले, उसको अभी कमबैक जो है फवाद आलम को आपने नहीं खिलाया, लेकिन इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो जाती मफादात भी उसमें शामिल है, जाती रंजिशें भी उसमें है, तो ये चीजें खत्म होंगी तो हमारी टीम को काफी जो है आगे आने में मदद मिलेगी। मोइन खान अपने साहबजादे को बड़ी कोशिश करते हैं कि आजम खान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, लेकिन ना ही वो कायद आजम ट्रॉफी का हिस्सा है, ना ही वो नेशनल कप का हिस्सा है, ना ही जो T20 नेशनल T20 होती है उनका हिस्सा होते हैं आजम खान, क्योंकि वो फिटनेस नहीं है, आई थिंक वो ओवरवेट है। तो इस वजह से मोइन खान चाहते हैं कि वो क्वेटा ग्लेडियर्स के साथ खिला के उनको इतना पॉलिश कर दिया जाए कि एटलीस्ट वो वनडे नहीं, टेस्ट नहीं तो T20 नेशनल टीम में जरूर आ जाए। तो मुझे तो यही इसी तरह की जो है पॉलिसी लगती है, अगर यही पॉलिसी होगी तो फिर जाहिर सी बात है क्रिकेट का जो फुकदान हम देखते रहेंगे आगे आने वाले 10-15-20 सालों में, जो है यही सूरत हाल रहेगी, हम वही खड़े होंगे और वही फॉरेन प्लेयर जो है परफॉर्म कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जिशान, और मेरे ख्याल से आप दोनों इस बात से भी एग्री करेंगे जो तुफैल साहब डॉक्टर अदनान सवाल पूछ रहे थे कि पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब डिपार्टमेंट होते थे, लेकिन अगर जितनी मैंने क्रिकेट देखी है समझी है, मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स के साथ ज्यादती या वो नहीं आ पाते तो ये उस टाइम पर भी होता है, जो 80s हैं 90s हैं, इमरान खान के दौर में भी आपको याद होगा सब होता रहा है सब चीज़ें। हमारे बासित अली आप जो हैं वो आपको, और मेरे ख्याल कई और नाम ले लूँगा, तनवीर हैं टेस्ट प्लेयर, वो भी काफ़ी नहीं खेल सके, ठीक है, जो मसले मसाइल रहे होंगे, लेकिन ये तो सब कुछ लोग जी उस जमाने में कुछ लोग जो थे मंसूर अख्तर उन पे बहुत तंकीद होती थी, वो मंसूर अख्तर जो है वो वाइज इन द टीम, वो टीम के अंदर होते थे, रिजवानो जमा टीम के अंदर आए, यूनस अहमद टीम के अंदर आए, तो बड़ी बड़ी मिसालें हैं, वो तो हर दौर में और हर क्रिकेट बोर्ड में चलता है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इन शॉर्ट क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, बहुत चीजें हैं हमारे पास, एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है पाकिस्तान की जो जमाने में 80s में होती थी वो भी कोई इतनी काबिले सताइश नहीं थी, exactly, कहने के या वो भी इतनी कोई कॉम्पिटिटिव नहीं थी कि उसको आजकल के दौर में इंट्रोड्यूस किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा बैक टू, और लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उनसे। आज आपने देखा कि गजाफी में जब छक्के लग रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, लोगों को जब पहले मैच होता था हबीब बैंक और पीएए का कजाफी में तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मेक द क्रिकेट इंटरेस्टिंग फॉर देम एज इट इज अ शेफ फील्ड एज इट इज अ क्रिकेट। आजकल बहुत फास्ट हो गई चीजें, अब वो
उस तरह की नहीं रही जैसे पहले थी। अच्छा, बैक टू डॉक्टर अदनान, पीएसएल, और जैसे हमने यहाँ बात कर रहे थे दो मैचेस जो हैं वो खेले गए, तो मेरे ख्याल से ईशान कुछ बता रहे थे तो उस वक्त जो है कॉल आ गई थी। ईशान, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। पहला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया, जो मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया, तो पहले हम इस मैच से शुरू करते हैं फिर हम आगे आते हैं। जी ईशान, अगर आमिर, अगर क्योंकि हमें क्या पता टाइम ना मिले, हमने क्विकली करना होगा, मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितना मवाद है कि हम जो फनी पिक्चर्स और कुछ चीजें दिखाना चाहते हैं अपने नाज़रीन को, अगर मैं कह रहा हूँ पहले उसको कवर करके फिर हम आए। ठीक है, आप प्रोडक्शन टीम से कहता हूँ कि पिक्चर्स आप उसमें बताते जाएं, तो प्रोडक्शन टीम जो है पिक्चर लाइनअप करती रही। जी आप दोनों, क्योंकि कुछ चीजें मेरे जहन में आ रही हैं कि अगर प्रोडक्शन टीम दिखा सके हमें पिक्चर जो एक मुसाफा हुआ विकेट के ऊपर, आज एक वो तस्वीर और एक पाकिस्तानी फिल्म एक्टर की तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें अगर हम यके बाद दीगरे देख सके वन बाय वन। जी एक ये तस्वीर, यारो यही दोस्ती है, जो जिशान कह रहे थे ना, वो जिशान बड़ा गुनगुना रहे थे, एक कॉन्सर्ट में मुलाकात हुई तो कहते हैं किस्मत से जो मिली है यारो यही दोस्ती है, तो यही दोस्ती है। लेकिन ये है कि तुम्हारे पास तो दोस्त है, मेरे पास क्या है, अगली तस्वीर दिखाए तो उसमें मेरे पास तुम हो, क्या बात है। तो ये देखिए दोस्ती की जो मिसालें हैं कि यारो यही दोस्ती है, तुम्हारे पास दोस्त है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास तुम, मेरे पास तुम। तो बाकी तस्वीरें अगर दिखा सकें कंपाइल की हुई है या आपने की हुई है तो उनको अगर आप कर सकें तो हम क्विकली देखना चाहेंगे तस्वीरें अगर है हमारे पास तो। जी तस्वीरें जो है बहुत सारी जो खास जो डाउनलोड कर ली हैं वो मैं प्रोडक्शन टीम से कहता हूँ कि वो लाइन अप कर लें, जब तक आप जो है थोड़ा सा आज के प्रोग्राम्स के जो है बता। जी ठीक है, ठीक है, शो शॉर्टली जो है पहला जो आज मैच हुआ था रावलपिंडी में, हेडलाइन का ऐसा था कि वहां पे बारिश हो गई थी, गवर्नमेंट ने जो है बहुत जिद्दोजहद से बहुत हार्ड वर्क के साथ जो है उस ग्राउंड को सुखाया, काबिल बनाया कि मैच हो सके, लेकिन मैच महदूद हुआ 9 ओवर तक। 9 ओवर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है 91 रन बनाए, 91 रन बनाए, उसके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके जवाब में मुल्तान सुल्तान ने ये बहुत ही आसानी से इस हदफ को जो है चेस कर लिया। तो क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी आज। जी जिशान बिल्कुल आपने ठीक बताया कि थैंक्स फॉर द इन्फो। आज का मैच जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिन लोगों ने टेलीविजन सेट्स ऑन नहीं किए दिन के टाइम पे, जिशान ने आपको बताया कि ये मैच जो था इसको रिड्यूस कर दिया गया था 9 ओवर्स तक, क्योंकि ये रेन इफेक्टेड मैच था, एक स्लो इफेक्टेड मैच। शादाब खान 11 दोबारा बड़े पुरजम होकर निकली और उन्होंने बड़ी पेशिंग हुई गलत कर दी, क्योंकि वो बड़े टॉक्सिक हुए हुए थे पिछला मैच एक अनफॉर्चुनेट तरीके से हारने के बाद। लेकिन उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा रहा, कॉलन मनरो वाज कटिंग लूज। लेकिन देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिशान, जो आपने बात शुरू की जहां से कि रेन इफेक्टेड मैच, अगर मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताना चाहूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की विन परसेंटेज क्या है एचपीएल सीजन, जितने भी सीजन हुए सीजन 1 दुबई से लेके सीजन 5 तक, जो नॉन रेन रिड्यूस्ड मैचेस हैं जिसके अंदर बारिश का अमल दखल नहीं है, जो ज्यादा मैच दुबई में हुए, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत का तनासब 56% है, 56%, जबकि जो रेन रिड्यूस्ड मैचेस हैं उसके अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जीत का तनासब है वो सिर्फ 25% रह जाता है, यानी कि हाफ से भी कम आ जाता है। तो आप देखिए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं। मनरो स्टार्टेड ऑन ब्रिलियंटली, मुझे लगा कि दोबारा हम एक बड़े स्कोर की जाने बढ़ने लगे हैं और इस्लामाबाद कम से कम 200 का टारगेट देगा। मनरो वॉज गोइंग मैड, ही गॉट अ हैट्रिक ऑफ सिक्सेस अब शायद खान अफरीदी, लाला को बड़ा कम हुआ है कि इस तरह से छक्के पड़े हों, उनको छक्के आखिर में भी पड़े, शुरू में भी पड़े, और जो लास्ट ओवर वाज द सेकंड टाइम इन शाहिद अफरीदी करियर दैट ही हैज बीन हिट फॉर द 3 सिक्सेस इन द फर्स्ट 3 बॉल्स ही हैज बॉल्ड इन द मैच। इससे पहले उनके पूरे करियर में, चाहे वो इंटरनेशनल करियर है दूसरा है, उसके अंदर शाहिद खान अफरीदी को पहले 3 बॉल पे ओवर के छक्के नहीं खाए। ये आज दूसरा मौका था उनके करियर का कि जहां पर उनको 3 छक्के खाने पड़े। और इमरान ताहिर का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वो एग्रेसिव है, उन्होंने कॉलन मुनरो को गुस्सा भी दिला दिया आज, वो थोड़ा मेरा ख्याल है कुछ एक बॉडी लैंग्वेज होती है प्लेयर की एग्रेशन, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए उनको। बाकी मैंने देखा कि सुल्तान के प्लेयर्स कंट्रोल भी कर रहे थे, हंस के उनको रोक भी रहे थे, लेकिन वो तैश में आ रहे थे उन्होंने मनरो को आउट करने के बाद, फिर आई थिंक शादाब को आउट करने के बाद भी कोई अनयूजुअल जॉय था उनके अंदर। ठीक है जी, होना भी चाहिए, आपकी टीम जब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी इन द लिमिट, दिस वॉज नॉट द वर्ल्ड कप फाइनल और समथिंग वॉज गोइंग ऑन। लेकिन उनकी बहुत जबरदस्त बॉलिंग, 2 ओवर्स में 13 रन देके उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, एंड दे हेल्प टू रिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड, ट्रम्प कार्ड था
के 91 रन उन्होंने 9 ओवर में बनाए और बड़ी जबरदस्त एक दो गुगलियां भी फेंकी जिसको बिल्कुल बैट्समैन रीड नहीं कर सका और बहुत ही मैग्निफिसेंट बॉलिंग मुझे नजर आई। जेम्स विंस जो थे देखा जाए तो बात वही है कि वही ग्राउंड सुल्तान के लिए भी था लेकिन माइट बी लिस्बन आमिर ग्राउंड जो है वो थोड़ा ड्राई हो चुका हो उनको बॉल आसानी से उनके बैट पे आ रहा हो। जेम्स विंस वॉज अगेंस्ट मैग्निफिसेंट इंग्लिश क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आज के दिन छाए हुए हैं चाहे उनका ताल्लुक कराची से हो लाहौर से हो या सुल्तान से हो। जेम्स विंस रीचेस 50 फ्रॉम जस्ट 20 बॉल्स 20 बॉल्स उन्होंने सिर्फ लिए एंड दिस इज द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय एन इंग्लिश मैन इन द एनी एचबीएल पीएस सीजन। अपने साथी हरीफ जितने भी उनसे पहले आए हैं या अभी उनके साथ खेल रहे हैं किसी गोरे की अंग्रेज की इंग्लिश बैट्समैन की इंग्लिश प्लेयर की ये सबसे तेज तरीन सेंचुरी थी। जेम्स विंस जो थे उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात ये भी नजर आई कि ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द स्पिन। हिस्ट्री बताती है मेरे सामने जो है कि अगेंस्ट पेस ही इज स्कोरिंग 8.4 रन पर ओवर एंड हैज बीन आउट एवरी 28 बॉल्स 28 बॉल के बाद वो आउट होती है। अगेंस्ट स्पिन He has scored सिर्फ 6.9 रन पर ओवर और हर 13 बॉल के बाद वो आउट होते हैं लेकिन उसके बावजूद इट वॉज मैग्निफिसेंट एफर्ट फ्रॉम विंस और उन्होंने आकिफ जावेद को एक ओवर में 21 रन मारे। He has never scored more runs in any over across any format in his entire T20 career. उन्होंने 21 से ज्यादा रन आज तक नहीं मारे। आज उनके करियर का बेस्ट था ये एक ओवर का नॉक और शायद ये नीड ऑफ द टाइम था। मुल्तान सुल्तान को टोटली उन्होंने प्रेशर से बाहर निकाल दिया। मुल्तान सुल्तान किसी दबाव के अंदर नहीं थी। दे प्लेड लाइक चैंपियंस एंड इट वाज लुकिंग लाइक दिस एज दे आर प्लेइंग फॉर द ट्रॉफी एज दे आर प्लेइंग फॉर अ कप। दे वर लुकिंग सो टॉक्सिक। इतनी मुझे उनमें कंसेंट्रेशन लगी आज बॉलिंग को देख ले बैटिंग को देख ले एक बड़ी प्रिसीजन नजर आई मुझे उनकी एक माइंड सेट और जो नजर आता है ना टीम का ग्राउंड के अंदर दैट वाज परफेक्ट। जेम्स जो विंस की ये फास्टेस्ट 50 थी एचपीएल ये एचपीएल 5 की भी फास्टेस्ट 50 थी एंड फाइनली दैट हेल्प मुल्तान सुल्तान बीट इस्लामाबाद बाय द 9 विकेट्स व्हाइल चेजिंग 91 in the den of Rawalpindi. Bad luck for Islamabad United. Islamabad United की अपने घर के अंदर तीसरी ये लगातार हार थी और बहुत ही अफसोस था इस्लामाबाद के शायकीन के लिए कि लाहौर के शायकीन ने तो मजा ले लिया अपने होम ग्राउंड का लेकिन इस्लामाबाद का जो सीजन क्लोज हो गया है पिंडी के लिए अब देयर इज नो मोर मैच ऑन रावलपिंडी एंड दे कुडंट सी देयर टीम विनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। इस विन के साथ अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड मैंने आपको बताया था हेडलाइन के अंदर दोबारा रिमाइंड करता हूं जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट्स या फेसबुक ऑन किए हैं ईएवास टेलीविजन के मुल्तान सुल्तान बिकेम द फर्स्ट टीम टू कंफर्म इट्स प्लेस इन द पीएसएल 2020 प्लेऑफ्स। जी आमिर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिशान। मेरे ख्याल से हमारी प्रोडक्शन टीम ने जो है कल जो है ट्रिविया पूछा था वो भी लाइनअप है आज का सवाल पूछ लेते हैं ताकि अगर किसी को आंसर आता है तो वो जब हम प्रोग्राम कर रहे हो तो अपना जवाब दे सकते हैं। जी जिशान कल के ट्रिविया का आंसर कल हमने सवाल पूछा था कि व्हाट इज द लोवेस्ट टोटल हमारे कुछ नाज़रीन है उन्होंने फेसबुक पे जवाब दिया था किस नदीम से उन्होंने कहा था 49 तो आपका जवाब था 59 और ये कारनामा हुआ था 2017 में लाहौर कलंदर वो बस खिदमत टीम थी और जिस टीम ने किया था वो थी पिशावर जालमी। तो ये था सवाल है हम आपसे करने जा रहे हैं वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा विच टीम हैज द मोस्ट विनिंग परसेंटेज इन पीएसएल। अगर आपने प्रोग्राम सुना हो जो है जीत रखे हैं पीएसएल के अंदर तो चार टीमें बेहतरीन थे हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेटा ग्लेडियटर्स है ग्लेडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड पिशावर जालमी मुल्तान सुल्तान्स। अगर इसका आपको सही जवाब आता है आप हमें कॉल कीजिए 6477857892 6477857892। अगर आप हमें ई आवाज फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहां पे अपना कमेंट लिख दीजिए इसका हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम के दौरान। और ये जो हमारे ट्रिविया का जो सेगमेंट है इसको आप हमारे लिए कहते हैं विलेज टेस्ट। शानदार लंच बुफे खाने के लिए आप जा सकते हैं विलेज टेस्ट जो मौजूद है मिसेस आगरा में रेडबर्न डिक्सी के ईस्ट साउथ कॉर्नर पर। डॉक्टर अदनान आज जिस तरह से हमने कल काफी बात करी थी अब बात कर लेते दूसरे मैच की जो लाहौर में खेला गया था कराची लाहौर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर जो है पहली दफा मध्य मुकाबले हुए इस पीएसएल में
लो शायकीन को जो है 21-22 मैचों का जो है वेट करना पड़ा ये मैच देखने के लिए। काफी बड़ा मैच था, उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लाहौर कलंदर्स को अपनी टीम टीम को जो है परफॉर्म करते देखते लाहौर के कदाबी स्टेडियम में अपने होम ग्राउंड पे। जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि लाहौर कलंदर जो है हावी रहेगा कराची किंग्स पर, और मेरा जो वोट बैंक था वो लाहौर के कलंदर्स की तरफ जो झुका रहा। जिस तरह से शानदार आगाज किया लाहौर कलंदर ने एज ए बॉलिंग, लेकिन फिर जो हशर नशर किया उसने एलेक्स हेल्स और चेड्रिक वार्टन ने मिलकर, तो उनको जो है बहुत इस तरह का टारगेट मिल गया कि हमें उम्मीद लग रही थी कि ये शायद मैच 110 या 120 पे जो है लाहौर कलंदर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन बात आ गई उसी मैन की, उसी डिंग डोंग बबल गन चबाते हुए जो हमारे खिलाड़ी सोशल में मशहूर हो रहे हैं आजकल बेन डंक ने वो कमाल कर दिया। एक रन के फायदे से मुकाबला ना कर सके और 99-40 बॉलों पे, तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए जीशान, बेन डंक ने आज दो ही काम किए इस पूरी शाम में, एक बबल खाई और एक छक्के मारे। तीसरा काम उन्होंने नहीं किया, वो बड़े कमिटेड नजर आए। हम देख सके अगर पिक्चर मैच शीट की के आज की जो मैच शीट सुबह पेश की गई ग्राउंड के अंदर लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स की, तो हमारे पास शीट्स भी आपको दिखाएंगे जो हमें नजर आई। लाहौर कलंदर्स ने जी बिल्कुल जिशान आपने बताया कि दे वन द टॉस एंड वंस अगेन टेकिंग अ बोल्ड डिसीजन एंड दे वर बॉलिंग फास्ट। ये जो है वो शीट है जो आज सुबह की, जिसमें टिक करके बताया गया कि कौन प्लेयर जो है वो इन होगा कौन आउट होगा। इसके अंदर नजर आ रहा है कि फखर जो है वो दोबारा लाइनअप में मौजूद है। तो जो ही मुझे शीट नजर आई तो साथ ही मेरा दिल बैठ गया कि शायद लाहौर के लिए ये दोबारा एक अंदोनाक लम्हा आने वाला है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लाहौर कलंदर्स ने जीतने के बाद रिस्क लिया, 7 लगातार मैच चेस के दौरान हारने के बाद पिछला मैच जब वो जीते तो उन्होंने दोबारा ट्रस्ट जाहिर किया और फिर उन्होंने सोचा कि बॉलिंग पहले करती है और चेस करते हैं। जुआ जो उन्होंने खेला था, गैम्बल किया था, ये बड़ा कारगर साबित हुआ। शर्जील खान जब उन्होंने कराची को दे पुट कराची इनटू द बैट, शर्जील खान वाज रन आउट इन द कदाफी स्टेडियम। पूरा कदाफी स्टेडियम आपने सुना होगा, देयर वाज अ रोर ऑफ डिलाइट इन द जब जू ही शर्जील खान आउट होती हैं, बट देन व्हाट अ क्लच नॉक फ्रॉम द एलेक्स हेल्स एंड ही वाज द कराचीज मेन। जिस तरह के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लिश प्लेयर्स दे आर लिविंग अप टू द रेपुटेशन, उन्होंने कोई गलती नहीं की, बेहतरीन इनिंग्स खेली हेल्स ने भी। हम आपको पिक्चर्स के अंदर दिखाएंगे कि एलेक्स हेल्स के शॉट्स की स्टोरी और चैडविक बॉल्टन के शॉट्स की स्टोरी। 101 रन जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पे 14 ओवरों में, और उसके बाद वो 187 पे लेके चले गए 5 के ऊपर इन 20 ओवर्स। किंग ने सोचिए कि लास्ट 6 ओवर्स के अंदर 86 रन जोड़े, सुपर्ब बैटिंग बाय द एलेक्स हेल्स एंड चैडविक बॉल्टन। 101 था स्कोर और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये 150 से ऊपर जा पाएंगे, जिस तरह प्रेशर में वो है और हमें लगा था कि शायद यहां पर विकेट गिर गए, लेकिन देखिए कितने जबरदस्त वो ऑन साइड पर दोनों जो ये शॉट दिखाए जा रहे हैं आपको ऑन साइड पे बेहतरीन आखिरी ओवर्स में, इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो 86 रन स्कोर किए वो कैसे किए। 45 रन जो चैडविक वॉल्टन ने आज बनाए, this is most runs made by him in his entire career in the 20 balls. ये 20 बॉलों में बनाए थे, ये मैक्सिमम है चैडविक वॉल्टन के T20 इनिंग्स में जो उन्होंने 20 बॉलों पे या उससे कम बॉलों पे खेली। मास खान जो थे, he became today the fourth leg spinner to dismiss बाबर आजम। उनसे जस्ट पहले जो कराची में जो बुरा टाइम आया हुआ था, बैड पैच आया था, बाबर आउट हुए, और बाबर आउट होने का बड़ा अफसोस है मुझे जीशान कि बाबर गलत बॉल को हिट करते हुए आउट हुए। वो बॉल ऑफ स्टंप से इतना बाहर था, मुझे मालूम नहीं था कि बाबर ने उसको अजीब उसको चेस करने की जरूरत नहीं थी। ही इज द फोर्थ लेग स्पिनर नाउ टू डिसमिस बाबर आजम इन द एचपीएल पीएसएल मैच, जो तीन इससे अंदाजा करे कि बाबर आजम की स्ट्रेंथ कितनी है अगेंस्ट द स्पिनर्स एंड हाउ गुड द बैट्समैन ही इज, एंड ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिमसेल्फ। शादाब खान उनको पहले आउट कर चुके हैं 2 मरतबा, संदीप लामाशैन ने उनको पिछले साल आउट किया था और इब्तिसाम शेख ने उनको आउट किया था जैलमी की जानिब से। ये तीन ही स्पिनर्स हैं जो इनसे पहले आउट कर चुके हैं, सिर्फ शादाब वो हैं जिन्होंने उनके खिलाफ डबल किया हुआ है, और आज माज खान वो चौथे स्पिनर बन गए जिन्होंने बाबर आजम को पीएसएल में आउट किया हुआ है। लाहौर कलंदर्स की मिस्टेक्स जो है वो जारी थी,
कलंदर्स ने अपना कलंदरी रंग आज भी ना छोड़ा, वो तो बैंक डंग ना होते तो पता नहीं क्या होता। बहुत ज्यादा मुझे फंबल्स नजर आए फील्डिंग साइड से मुझे जीशान कलंदर्स की जानिब से, और ये इश्यू जो है ये पूरे इनके पीएसएल में ये रहा है। इन्होंने चौके मिस किए, इन्होंने कैचेस मिस किए, इन्होंने बहुत चीजें मिस की हैं। और अगर मैं एक पिक्चर अगर देख सके प्रोडक्शन टीम से, हम कह सकें कि जिसमें एक ग्राफ बना हुआ है कैचेस ड्रॉप करने का रेशियो जिसमें जाहिर हो रहा है, तो ओनली पिशावर जेल अपॉर्चुनिटीज देन कलंदर्स। ये देखिए चैंपियंस जो टीम है मुल्तान सुल्तान की टीम, वो क्यों टॉप के ऊपर है, इसलिए कि उन्होंने 87% है उन्होंने जो कैच पकड़े हैं, सक्सेस रेशियो देखें आप। फिर किंग्स को देखिए, यूनाइटेड को देखिए, और बॉटम पे देखिए कि आपको लाहौर कलंदर्स ज़ेलमी नजर आ रही है, तो ज़ेलमी इज द वर्स्ट वन राइट नाउ जो कैचिंग प्रैक्टिस जो है जिसकी जिनकी नाकाम हो रही है, और कलंदर जो है उनसे ऊपर है लेकिन सेकंड वर्स्ट है। तो इनको अगर आगे मैच जीतने हैं प्ले ऑफ तक पहुंचना है ज़ेलमी को और कलंदर्स को, तो उनको ये पार्ट अपना मजबूत करना होगा। लास्ट नाइट आपने देखा कि समीत पटेल की एवरेज जो थी स्पिन के खिलाफ, उन्होंने पीएसएल की बेहतरीन बॉलिंग और बेहतरीन इकोनॉमिकल बॉलिंग की, वो 5.3 डिग्रीज उनका एवरेज स्पिन था, और आज उसी ट्रैक के ऊपर मेरी समझ से बाहर था कि आज जो टर्न उनको मिल रहा था वो 1.7 था। ये बड़ी अजीब बात थी कि लाहौर की जो पिच है उसको जो ग्राउंड्स मैन ने बनाया है बहुत ही कंट्रास्ट थी ये कल की पिच से, तो ये चेंज भी समझ ही लगी, लेकिन एनी हाउ इट वॉज हेल्पिंग कराची। कराची उसको जितना यूटिलाइज कर सकता था इस कम स्पिन को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। हमारा ख्याल था कि अगर ज्यादा स्पिन मिलती तो शायद कलंदर किंग्स जो थे कोलैप्स हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। एलेक्स सेल्स चैडविक वॉल्टन का स्टॉर्म एक लाहौर में आया, और एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन था कि विल लाहौर बी एबल टू चेज दिस मैमथ टोटल ऑफ 188 रन्स, और उस टाइम अगर मैं पूछूं तो शायद हमारे नाजरीन में से 90% का जवाब होगा उन्होंने अंगूठे नीचे कर दिए होंगे या वो अफसोस में होंगे कि शायद ये 188 रन्स चेज नहीं हो सकेंगे। मोहम्मद आमिर आए, आमिर का जो बर्स्ट होता है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट बर्स्ट होता है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वो T20 इंटरनेशनल मैच विद पाकिस्तान टीम हो, ऐसे ही था। उन्होंने अपने कमजोर हरीफ और नातवां और गरीब ओपनर जो चलने का नाम नहीं ले रहे थे, फेलियर्स की एक लंबी दास्तान, कोई हैरानी नहीं हुई जब उन्होंने फखर को ट्रैप किया। और मोहम्मद आमिर हैज नाउ टेकन 6 विकेट्स इन द ओपनिंग ओवर ऑफ द HPLPS इनिंग्स, ओनली हसन अली एंड मोहम्मद इरफान हैज बीन टेकन मोर देन हिम इन द ओपनिंग ओवर। हसन अली ने अब तक जो पीएसएल के जितने भी सीजन हुए हैं उन्होंने 8 विकेट ली हैं जबकि इरफान ने 7 ले रखी हैं, तो ओपनिंग ओवर के अंदर विकेट लेने वाले विकेट ही इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, जिसकी वजह से उनको हम पाकिस्तान टीम में भी कहते हैं कि इनका काम रन रोकना नहीं है बल्कि ब्रेक थ्रू देना है। एंड ही लिव्ड अप टू द रेपुटेशन, जो ही मैच शुरू हुआ कराची को उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया अपने पहले ही ओवर में, एंड देन द स्टोरी कम्स कितने आदमी थे वो जो हम कहते हैं ना बेल्ड ऑस्ट्रेलियन वॉक्ड इन व्हेन द स्कोर वाज 50 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द 9th ओवर एंड देन कलंदर्स चेजिंग 188 दे वर स्टेयरिंग एट अनदर डिफीट, और साफ दिखाई दे रहा था जिस तरह किस्मत लाहौर कलंदर की एक शिकस्त से बनी है, एक शिकस्त जो है वो यकीनी शिकस्त जो है सामने नजर आ रही थी। कैप्टन सुहेल अख्तर की जितनी तारीफ करूं मैं कम है, उनके ऊपर आज काफी कम उनकी तारीफ हुई। सुहेल अख्तर वॉक्ड इन अलोंग विद अ बेंट डंग, ही स्कोर्स हिज फर्स्ट 50 ऑन द अदर हैंड ऑफ द सीजन। सुहेल अख्तर के लिए खुद ये बहुत ये तकवीयत का बायस होगी और बहुत उनको ये देगी कॉन्फिडेंस देगी ही। और बेंट डंग जो है उन्होंने उसी दौरान में जब वो उनकी निस्फ सेंचुरी पूरी हुई तो उमर खान जो बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है कराची के पास उनका ट्रम्प कार्ड है, उनको एक ओवर में 3 छक्के लगा के कराची के इमाद वसीम और कराची किंग्स की पूरी मैनेजमेंट को बैकफुट पे कर दिया बेंट डंग ने। और ये जो दोनों का दरमियान स्टैंड बना था ये 140 रन नॉट आउट का स्टैंड था आमिर, और 140 रन नॉट आउट इन द पीएसएल बिटवीन बेंट डंग एंड सुहेल अख्तर, दिस इज द हाइएस्ट पार्टनरशिप फॉर द थर्ड विकेट इन एनी HPLPSL 1-5 कोई भी सीजन कोई भी ग्राउंड, ये बेहतरीन रिकॉर्ड है। और मोस्ट सिक्सेस इन इनिंग्स जो थे उसका रिकॉर्ड उन्होंने बताया आपको हेडलाइन में कि 10 से 12 उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, एंड दिस वाज समथिंग ब्रूटल ब्रूटल इनिंग्स अलोंग विद सुहेल अख्तर। और उन्होंने जी बात कर रहे हैं डॉक्टर अदनान, सॉरी आई लव यू, हमारी प्रोडक्शन टीम ने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अदनान बैंड डंक और इतनी सिक्स, एक वीडियो क्लिप भी जो है जिसमें 6 जो है वो लगा है, और एक थोड़ा सा व्यू है क्राउड का और वो हम देख लेते हैं नाजरीन के लिए, आई होप कि उनको भी पसंद आएगा, फिर हम प्रोग्राम में वापस आते हैं।
जी डॉक्टर अदनान जी, थैंक यू विद द कर्टसी ऑफ नबील, मेरे दोस्त जो हैं हमारे जो हिस्सा है मैच पॉइंट का, मेरे दोस्त नबील वो चूंकि आज कज़ाफ़ स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे और उनके मोबाइल से ये वीडियो ली गई है। ये उस वक्त की वीडियो है जब लास्ट बॉल जो है फेंक रहे, आई मीन लास्ट बॉल नहीं, जो लास्ट ओवर की पहली बॉल फेंकने जा रहे थे और बेन डंक ने उस पर छक्का लगा दिया। तो ये ग्राउंड के मनाजर है उसी के, और ब्रूटल हिटिंग फ्रॉम सुहेल अख्तर आल्सो, और एक छक्का ऐसा था जो उन्होंने अपने साथी कप्तान इमाद को झड़ा, जिससे इमाद का कॉन्फिडेंस शेक हो गया क्योंकि ही वॉज नॉट इमेजिनिंग कि सुहेल अख्तर ये करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बेन वॉज डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ। डंक प्लेड अनदर आउटस्टैंडिंग नॉक एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि सुहेल अख्तर हाउ इज प्लेइंग। और अब जिस तरह तुफैल भाई कह रहे थे कि ये लड़के कहां आएंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ और सुहेल ने खेल ली और लीड कर लिया, तो नो डाउट दैट ही शुड हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ द पाकिस्तान इन द पीएसएल इन द इंटरनेशनल मैचेस। हु नोस दैट सुहेल व्हाइल ग्रूमिंग हिमसेल्फ विद सो मच इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो शायद टीम का हिस्सा बन सके। क्योंकि देखिए आज हमने ब्यूटी देखी कि एंकर कैसे करते हैं अपने प्लेयर को, मैन इन फॉर्म को खिलाते कैसे हैं, उनको फेस कैसे कराते हैं और टारगेट चेस कैसे करते हैं। और पाकिस्तान टीम में हमेशा से यही फुकदान रहा है कि चेस कैसे करना है और अपने साथी प्लेयर से चेस कैसे करवाना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हमेशा से माहिर है। तो आई थिंक कि सुहेल के लिए ये बहुत बड़ी ग्रूमिंग होगी। जिस तरह डंक की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि यू डोंट ड्रॉप डंक। कॉस्टली स्पिल एट द बाउंड्री एज द लाहौर बैटर हैज बीन ड्रॉप्ड। आपको शुरू में तस्वीर भी दिखाई थी, ये जो कैच था ये बहुत महंगा पड़ गया, विच टुक द गेम अवे फ्रॉम द कराची किंग्स। आमिर जमीन की इंजरी और ये जो ड्रॉप कैच था, दिस विल हर्ट कराची किंग्स इन द लॉन्ग वे। अगर कराची खुदा ना खास्ता प्ले ऑफ में ना गया तो आमिर ये कैच जो है बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो थारा सन, यू डिडंट ड्रॉप द कैच, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। अल्दो कि ये उस तरह का क्रंच मैच नहीं था, लेकिन कराची के लिए अगर जकेबा दीगरे हार होती है तो कराची के लिए ये कैच जो है बड़े दूर तक ये उनको साथ लेके जाएगा, क्योंकि उस कॉस्टली कैच के ऊपर बेन डंक ने आज एक फेस्टिवल छक्कों का बनाया। ऑन द लाइटर नोट ये भी कहूंगा कि अगर पाकिस्तान, आप कराची किंग आपने कहा कि टॉप फोर में नहीं आता, तो जो च्युइंगम कंपनी है मेरे ख्याल से उसकी एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगी, कम से कम एक काले लाल चैनल पर जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट जो है इस च्युइंगम की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज ट्रॉल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि ये च्युइंगम में जो है, मतलब लोग मजाक में बात कर रहे थे कि किसी ने कहा कि भाई कोई निस्वार मिला दिए, कोई ऐसा कुछ कर दिया, इसकी च्युइंगम चेक करो। तो वाकई कुछ उनके च्युइंगम में आज था डॉक्टर अदनान, ऐसा या बस उनकी एक प्रैक्टिस है, एक आदत है उनकी? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और इंग्लिश प्लेयर जो है, साउथ अफ्रीकन जो है, ये तीन जो है, ये अक्सर आपने देखा है कि ये ग्राउंड में मैस्टिकेशन प्रोसेस होता है, तो वो कहते हैं कि उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है इससे। अगर हम अगर च्युइंगम खाएंगे ना, आप और मैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान च्युइंगम की तरफ ही होगा कि वो खत्म हुई है कि नहीं हुई। तो जो ये प्लेयर्स हैं, इनका फिनोमेना ऐसा है, ये ट्रेंड होते हैं इस तरह से कि वो कहते हैं कि उनकी, अल्लाह जानता है कि इसमें, अब ये तो मेरा खुदा जानता है बेहतर कि क्या है, वो कहते हैं कि उससे उनकी थिंकिंग एबिलिटीज जो है वो इनहांस होती है कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू, they kept on thinking। और देखिए आमिर, जितनी तारीफ करूं मैं बेन डंक की, कि ही रिमेंड प्रेफर्ड टू फिनिश ऑन 99। ये वो ब्यूटी है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को दूसरे क्रिकेटर्स से मुमताज करती है, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हो या इंडियन क्रिकेटर्स हो, वो अपने लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। लास्ट ईयर अब ये जीशान को याद होगा कि कोयटा नीडेड 5 runs ऑफ द 6 balls एंड अ बैट्समैन वेंट आउट फॉर ए सेंचुरी एंड देन गॉट आउट अ 99 एंड ऑल्सो लॉस्ट द मैच बाय 1 run। सो दे शुड बी लर्निंग, और उनके जो डग आउट पे जो बैठे हुए हैं थिंक टैंक्स ग्लेडिएटर्स के, ये टाइम है उनको बताने का कि लुक एट दैट मैन, चेस किया और टीम को जितवा के आया, 100 इज नॉट इम्पोर्टेंट, योर 99 रिमेन्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑन द गूगल। टीम उससे नहीं जीती तो आपने कुछ नहीं जीते। अच्छा, अब कहानी ये है कि कलंदर्स तो जीत गया, लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर डंक ना होता तो तेरा क्या होता कलंदर, फिर कलंदर क्या करता, क्या कलंदर फिर भी जीतता? पिछले जो 3 मैच हुए जिसमें से 2 मैच बैक टू कलंदर जीते और तीसरा मैच एक जीते अपने आर्च राइवल्स के अगेंस्ट, इनके बीच में एक मैच कलंदर हार गया। कलंदर क्यों हार गया? कि उसमें बेन डंक हार गए। तो क्या बेन डंक नहीं होंगे तो कलंदर जो है वो नहीं जीतेंगे? ये भी अब एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और ये हरगिज उनकी मैनेजमेंट के लिए खुशी का बायस नहीं है कि कलंदर बड़ी मजबूत टीम है,
और वो किसी दुनिया की टीम को तहस तहस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कलंदर्स अब भी पीएसएल की कमजोर तरीन टीम है जी। और अभी भी आज की जीत के बाद भी हम अभी पॉइंट टेबल पर आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी पोजीशन पे, वो हम जब आकर अपने प्रोग्राम में जब पॉइंट टेबल डिस्कस करेंगे। क्योंकि बैंड डैंग की रन की बात हो रही डॉक्टर अदनान, एक और छोटी सी वीडियो है हमारे पास, हमारी प्रोडक्शन टीम ने तैयार की है, क्योंकि उनकी जो है वो मतलब कह लें कि लाहौरियों से इतना प्यार उनको हो गया या मिला, तो एक वीडियो है वो देखते हैं और फिर उसके बाद इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा रिलाई हो रही है हर टीम के लिए, वो पिशांच आलमी हो, लाहौर कलंदर हो, मुल्तान सुल्तान हो, यूनाइटेड हो, तो आई थिंक जी यूनाइटेड के जैसे कॉलिन मॉनरो और आपके ल्यूक रॉकेट, ठीक है ना, उसके बाद आपके वन डाउन आ जाते हैं शादाब और फिर कॉलिन इंग्राम, आसिफ अली और फिर टीम जो है उनकी फारिग है। तो और फिर जिस तरह कराची किंग्स में बाबर आजम और एलेक्स हेल्थ में जो है, और फिर बॉलिंग में मोहम्मद आमिर, जालबी में कामरान अकमल, शोएब मलिक और फिर हसन अली वहां पे, यानी कि एज अ टीम जो है कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि एज अ टीम जो है परफॉर्म्स करके जो है वो आगे जा सकती है। तो क्या इंडिविजुअल्स पे रिलाय रहना अच्छा है, क्या हम उसी पे ही ताना बाना करते रहेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, लेकिन जीशान देखें T20 जो गेम होती है ना, दैट इज टेस्ट क्रिकेट से डिफरेंट गेम है, इसमें वुमन वन प्लेयर वन मैन शो होता है, लेकिन लेकिन आप कंसिस्टेंटली फिर एक टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं कर सकते। T20 के अंदर भी अगर आपको जीतना है तो 3 से 4 प्लेयर आपके परफॉर्म रेडी होने चाहिए, एक एक बॉलर होगा, 2 बैट्समैन होंगे या 2 बॉलर होंगे या 3 बैट्समैन होंगे, और जरूरी नहीं है कि सब 100 करें या बेन डंग की तरह स्मैशिंग करें, एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल टोटल दें। देखें आज कराची का जो टीम गेम था वो बहुत अच्छा था, वो उनकी बदकिस्मती है कि उनको बेन डंग मिल गए आज, 1.87 वो ज्यादा ब्रिस्क और ज्यादा काबिले एतमाद होगा, क्योंकि उसमें टीम वर्क है, उसमें ना प्लानिंग नजर आ रही है, लाहौर के पास प्लानिंग नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो खुशी हुई मुझे वो ये है कि स्मित पटेल और शाहीन शाह अफरीदी 2 अच्छे परफॉर्मर्स आपको वहां से मिल गए, और बेन डंग और आज कप्तान ने जो खेला है, अब वहां से मिसिंग क्या हो रही है चीज के आपको खुदा का वास्ता है कहीं से ओपनर चेंज कर लें, अपना ओपनर चेंज कर लें, और जो प्रोफेसर है He will have to score like Shoaib Malik. अगर आप ओपनर चेंज कर लेते हैं और हफीज जो है वो स्कोर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मैं इनको कराची किंग्स की इक्वल भी लेके चला जाऊंगा, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा ही रहा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर द कलंदर्स। थोड़ी सी मैं आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 क्विक चीजें 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि शायद मुझे दोबारा इसका मौका ना मिले कि सिंगल एडिशन पीएसएल की तारीख में एक सिंगल एडिशन के अंदर जो छक्कों की तादाद है उसके अंदर बेन डंग जो है लास्ट नंबर पे है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मेरे पास है, जो टॉप के ऊपर है वो 2018 में कामरान अकमल के 13 इनिंग्स के अंदर 28 छक्के हैं, जबकि आसिफ अली के 2019 में 11 इनिंग्स के अंदर 26 छक्के हैं दूसरे नंबर पर, और 2018 में ल्यूक रॉन्की के 11 इनिंग्स में 24 छक्के हैं। अब बेन डंग जो है वो चौथे नंबर पांचवें नंबर पर है, 5 इनिंग्स में 23 छक्के, तो अगर इनको 13 इनिंग्स को कामी को मिली 28 छक्कों के लिए, अगर इनको 13 इनिंग्स मिलती हैं तो मेरे हिसाब से इनकी छक्कों की तादाद अगर ये जिस स्पीड पे अब जा रहे हैं और कलंदर्स की टीम अगर फाइनल तक पहुंचती है तो इनके छक्कों की तादाद 75 तक पहुंच सकती है। कामी क्यों टॉप पे है?
क्योंकि पेशावर जेलमी जो है वो दो तीन दफा प्ले ऑफ की तरफ क्वालिफाई उन्होंने किया है। यूनाइटेड के आसिफ अली और रोंकी क्यों टॉप पे है, क्योंकि वो दो दफा फाइनलिस्ट उन्होंने ट्रॉफी जीती है और वो फाइनल में मार्च किया है। कलंदर जो है वो प्ले ऑफ तक ही नहीं जाने में कामयाब हुए आज तक, तो अभी अगर ये स्पीड रही और कलंदर प्ले ऑफ तक जाता है तो बैंक डंग नो डाउटली ये 50 क्रॉस कर लेंगे। इस पीएसएल के अंदर बैंक डंग के बारे में बताना चाहूंगा, 5 मैच उन्होंने खेल रखे हैं आमिर, 250 रन उन्होंने बनाए हैं, 83.83 एवरेज विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 201, 23 छक्के उन्होंने लगा रखे हैं, थर्ड लीडिंग रन स्कोरर हैं, मोस्ट छक्कों, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट एवरेज के साथ इस पीएसएल के साथ, इस पीएसएल के अंदर, और अभी उनकी टीम ऑलमोस्ट बॉटम के ऊपर है, तो अगर ऊपर होती तो सोचिए क्या हाल होता, और हाईएस्ट इंडिविजुअल मेरे ख्याल से बॉटम पर ही मेरे ख्याल से एक स्टेप जो है वो ऊपर आ गए आज, एक स्टेप ऊपर है ग्लेडिएटर्स देखेंगे बिल्कुल। अच्छा, लूजिंग कॉज में पीएसएल की हिस्ट्री में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे पास आया हुआ है कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द लूजिंग कॉज इन द पीएसएल हिस्ट्री, क्योंकि आज एलेक्स हेल्स ने बड़ी अच्छी पारी खेली, उन्होंने कराची किंग्स के लिए 80 रन नॉट आउट बनाए और वो यकीन नहीं कर पाए होंगे कि वो फिर भी मैच हार गए हैं, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले जेम्स विंस ने कलंदर्स के खिलाफ 2019 में ही पिछले साल 84 रन बनाए थे और वो गेम्स हार गए थे। मोहम्मद हफीज ने यूनाइटेड के खिलाफ अभी इसी सीजन में 98 रन्स नॉट आउट बनाए थे और फिर भी वो मैच हार गए थे, जबकि 2019 में जिस मैच की मैं बात कर रहा था जीशान से, अहमद शहजाद ने 99 रन्स बनाए थे किंग्स के खिलाफ और फिर भी ग्लेडिएटर्स जो है वो मैच हार गए थे। हाईएस्ट स्कोर अगर मैं लाहौर कलंदर्स के लिए करूं इस पीएसएल के अंदर तो 99 बेन डंक है कराची किंग्स के खिलाफ आज, और इससे पहले हफीज जो है 98 बना चुके हैं यूनाइटेड के अगेंस्ट, और फखर जमान जो है वो 94 में, अगर मैं ओवरऑल जाऊं पांचों पे तो 94 उन्होंने कोटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 2018 में बनाया था, और अगर कराची किंग्स के खिलाफ बात करें हाईएस्ट स्कोर ओवरऑल आज तक जितने भी पीएसएल सीजन हुए तो सबसे जो बड़ा स्कोर है वो आज का 99 बेन डंक का नहीं है, ये दूसरा बड़ा स्कोर है। पहला स्कोर जो है वो कामरान अकमल ने बनाया था जो 2017 में अबू धाबी के मकाम पे मैच हुआ था और वहां पर कामरान अकमल ने सेंचुरी गाड़ी थी, जो दूसरी पहली सेंचुरी थी उनकी और पीएसएल की दूसरी सेंचुरी थी, वो 104 रन बनाए थे उस पीएसएल के मैच के अंदर। जी आमिर जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर अदनान, और जिस तरीके से आज उन्होंने खेला बैन कटिंग ने, हमने काफी बात की और मेरे ख्याल से सिंगल हैंडेडली वो मैच ले गए, और आप सही कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट लाहौर कलंदर को ओवरऑल टीम जो है वो बूस्ट मिल रहा है, और जो कि एक अच्छी बात है पीएसएल के लिए, क्योंकि वो बाहर जो फैंस हैं, जाहिर है आप देखेंगे पाकिस्तान का जो है वो एक बड़ा शहर जो है वो लाहौर है, और लाहौर के नाम से जो है ये फ्रेंचाइज भी है, तो बहुत सारी चीज़ें बैकहैंड पे भी इन्वॉल्व होती हैं, क्राउड होता है एडवर्टीजमेंट लेवल पे, स्पॉन्सरशिप पे, बहुत सारी चीज़ें पीछे इन्वॉल्व होती हैं। हम तो एक 11 लोगों की टीम यहाँ देख रहे हैं कि वो हार रही है, लेकिन बैकहैंड पे जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पीएसएल खेला जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि सारी पाकिस्तान की टीम्स हैं तो लाहौर कलंदर भी जो है बिल्कुल अच्छा खेलें, और जैसा कि आज खेला और आगे भी अच्छा खेलें, ताकि जो है पीएसएल में जो है एक एनर्जी पैदा हो सके और जो लाहौर कलंदर की टीम है वो और आगे जा सके। अच्छा, अब हम क्योंकि प्रोग्राम के एंडिंग पर हैं, क्विकली मूव कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल, कितना टाइम है हमारे पास, क्योंकि हमने आज किलर फैक्टर की जाने भी जाना है, पॉइंट्स टेबल भी देखना है और थोड़ा सा कल का भी हमने प्रेडिक्शंस वगैरह। अच्छा, कल कल मैच नहीं है तो कल परसों जो मैच होगा उसके बाद जो हम कल करेंगे, परसों के मैच के बारे में पॉइंट्स टेबल, जी पॉइंट्स टेबल का पॉइंट्स टेबल में रखा है, देख लेते हैं। ठीक है, हम पॉइंट्स टेबल पर आ जाते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर सर जी। सबसे पहले तो जवाब दें कोयटा के बारे में, लाहौर को तो बाद में डिस्कस करेंगे डॉक्टर अदनान, ये कोयटा के साथ क्या हो रहा है? कोयटा ग्लेडिएटर्स देखें, बाय द वर्चू ऑफ बेन डंक कोयटा ग्लेडिएटर्स को आज छठे नंबर पे जाना पड़ा। देखें ऊपर जो नंबर है वहां पर चेंजेस नहीं हुई, मुल्तान सुल्तान ने दोबारा प्रूव कर दिया है कि इट्स नॉट अ फ्लूक, मुल्तान सुल्तान अभी भी प्लस 1.547 पे खड़े हुए हैं, लेकिन एक खास बात ये हो गई पॉइंट्स टेबल में कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी वो कल तक वो पॉइंट्स टेबल पे प्लस के रन रेट के साथ थी, और आज जो है वो प्लस में होने के बावजूद जो है रद्दो बदल के बाद तीसरे पे आ गई है, और पेशावर जेलमी जो है वो दूसरे पे चली गई है। पेशावर जेलमी के अब 9 पॉइंट्स हैं, यूनाइटेड के 7 हैं, और अगर आज का मैच वो जीत लेते तो शायद वो जेलमी को क्रॉस करके दोबारा ऊपर पहुंच जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर सके। कराची किंग्स जो है वो नजर आ रही है मुझे पांचवें नंबर पर। अब ये जो जंग होनी है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और पेशावर जेलमी के बीच में होनी है,
लेकिन अब चूंकि बेन डंक ने खतरे की जो घंटी है वो बजा दी है। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही है कि अगर लाहौर अपनी बाकी तमाम गेम्स जीतता है तो ये एक घमसान का रन पड़ने वाला है पीएसएल के पॉइंट्स टेबल के ऊपर। बिल्कुल जी जीशान, आप क्या कहेंगे? जी मैं इत्तेफाक करूंगा डॉक्टर अदनान से, जो मैं जो देखता हूँ कि वो बहुत मुश्किल हो गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही मैच बाकी है और अगर वो जीतते हैं तो उनके पॉइंट्स की तादाद हो जाएगी 9, जबकि पिशावर आर्मी ने 8 मैच खेल रखे हैं, अगर वो 2-1 जीते तो उनके पॉइंट्स की तादाद होगी, उनको 2 में से 1 मैच जो है किसी भी हाल में किसी भी सूरत में जीतना है पिशावर आर्मी को, वो क्वालिफाई कर जाएंगे अगले राउंड के लिए। तो खतरे की जो मुझे घंटी लग रही है वो कोटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, तो ये 2 टीमें ऐसी मुझे लग रही हैं जो इस टूर्नामेंट से बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे कि अगर मतलब समझ लें कोटा के पास तो अब सिर्फ एक ही मैच है, अगर वो जीतेंगे तो ऊपर आ सकेंगे, अदरवाइज जो है यूं समझ लें कि हारने के बाद तो जो है मुझे नहीं लगता कि फिर वो उनकी कोई पोजीशन बचती है। इसी तरह जो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम जाते हैं लाहौर कलंदर के इस वक्त और कराची किंग पे, इनके सब इनके 3-3 मैच बाकी हैं, मुल्तान सुल्तान के भी 3 मैच बाकी हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वालिफाई कर गए, उनके जो रन रेट है, जो उनके पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर अदनान ज़ीशान, आप एग्री करेंगे इस वक्त जो मुझे प्रॉब्लम वो है ना, वो 3 टीमें जो नीचे के हैं इस वक्त, कराची किंग, लाहौर कलंदर और क्वेटा ग्लेडिएटर, अब इन तीनों में से जो है वो चौथी पोजिशन, क्योंकि एक मैच के बाद भी है, अगर आप देखें रन रेट जो है वो प्लस में है इनका यूनाइटेड का, डॉक्टर दान, क्योंकि वो आपने बात की थी एक बार रन रेट की भी, तो अगर मुकाबला करना है पॉइंट्स के साथ साथ वो रन रेट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे डॉक्टर दान? जी बिल्कुल, लेकिन देखें अब प्रॉब्लम वही आ रहा है ना जो जीशान ने बात की कि इस्लामाबाद के पास मैचेस कम रह गए हैं, आप नहीं, वो उनके पास डू एंड डाई है, वो डू एंड डाई है, मेरे ख्याल से डू एंड डाई है, तो उनके पास चांसेस कम है, दूसरी टीमें अपने आप को रन रेट देखने के बाद इंप्रूव कर सकती है, क्योंकि आज बड़ा सुसाइड हुआ जो आज का मैच था, ये बड़ा महंगा पड़ गया उनको रन रेट के हवाले से, वही गलती जो लाहौर कलंदर्स करता है, टीम पाकिस्तान करती है इंटरनेशनल मैचेस में, वो गलती आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की, तो या आज बॉलिंग अच्छी होगी सुल्तान की जानिब से जो भी कह लें या वाइस वर्सा, एट द एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज द लूजर, इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये मैच जो है आज जो बड़े हैवी मार्जिन से हारे हैं ये बहुत महंगा पड़ सकता है ये मैच, इवन अगर वो अपना आखिरी मैच जीत भी जाए तो। हाँ, क्योंकि अब अच्छा अब बात करें तो अगर हम चले वो तो अब जीतना लाजमी हो गया उनके लिए, व्हाट अबाउट कराची किंग और लाहौर कलंदर और देन क्वेटा ग्लेडिएटर, ये 3-3 मैच लाहौर के और कराची के, और कल जैसा कि जिशान ने बताया गैप है, ट्यूसडे को मैच खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी के दरमियान, ये लाहौर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा और पिशावर के लिए, क्योंकि उनको भी एक मैच जीतना लाजमी है। कलंदर्स के लिए आमिर डूड आई है, कलंदर्स को अगर पहुंचना है कोई चांस लेना है उनको तमाम, वो हारने का चांस नहीं ले, उनके पास गलती का चांस नहीं है, इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके पास, लेकिन देखा जाए अगर ऑनेस्टली तो कराची किंग्स चूंकि 2 मैच हैं कराची किंग्स के और कराची किंग्स के ऑलरेडी 0.7 है, लेकिन कराची के पास अगर एक मैच अगर वो हारते हैं बीच में तो उसके बाद, लेकिन कराची भी करंट सिनेरियो के अंदर, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना पॉइंट्स टेबल इतना हिल गया है, क्योंकि नीचे तक लाहौर कलंदर्स ने उसको ओपन कर दिया है, कराची एक मैच हारने की सूरत में और कलंदर्स अगर सारे मैच जीत जाती हैं तो कराची के लिए फिर भी खतरा है। इस वक्त जो है वो काफी गंभीर कर दिया है क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम ने, अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है जब तक के दो एक मैच एक एक मैच और सारी टीमें नहीं खेलेंगी, उसके बाद सिनेरियो समझ आएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा जो बाकी टीमें हैं उनको एक एक मैच नीचे की टीमों को खेलना होगा जिसमें कलंदर भी शामिल है किंग्स भी शामिल है, तो मुझे लगता है कि फिर पोजीशन काफी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल जो है वो कोई गैप है हमने नाजरीन को जो है बताया, और परसों जो मैच खेला जा रहा है डॉक्टर अदनान वो भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त मुझे ऐसा लग रहे होने जा रहा है, अब वो भी उसमें थोड़ा सा इनपुट दे दें, और अगर किलर फैक्टर आज हम जो है प्रोग्राम के एंड में बिल्कुल रखेंगे, थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं जो परसों मैच खेला जाएगा पिशावर जलमी और जो है लाहौर कलंदर के बारे में, तो मैं आम क्योंकि हमारे साथ जी, मैं हाँ फैन, हम ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन टीम का सलाह हो भाई पीछे उनके पास क्या क्या मवाद है कि हम आज किलर फैक्टर आज की बजाय चूंकि कल मैच नहीं है
तो हम अगर कल इसको डिस्कशन पे ले आए किलर फैक्टर को, और आज हम कल का मैच करके इसको वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि टाइम मुझे लगता है कि इट विल बी अ शॉर्ट टाइम, राइट? हम ऐसा करते हैं, उसको कल जो है हम प्रोग्राम में जो है वो किलर फैक्टर कर लेंगे। तो क्विकली मूव कर लेते हैं कि जो परसों ट्यूजडे मैच जो है वो खेला जाएगा पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर के बारे में। अच्छा, मैं क्योंकि जिशान पे बाद में आऊंगा, क्योंकि जाहिर है उनकी टीम जो है वो परसों खेलने जा रही है, तो लास्ट में मैं उनका कमेंट लूंगा। पहले जो है मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अदनान, आपकी एक्सपर्ट आई में दोनों के लिए ये मैच जो है कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन सी टीम जो है वो भारी नजर आ रही है इस वक्त आपको? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और बड़े सिंपल आंसर है इसके। आपने पूछा भारी, तो बगैर किसी की साइड लिए हुए पेशावर जलमी ऑन द बोर्ड इज अ स्ट्रांग टीम। यस, दोनों टीमें जी जी। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच होने जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें विनिंग कॉम्बो से आ रही हैं। दोनों टीमें अपने हरीफों को हराने के बाद आ रही हैं। इट्स गोना स्ट्रॉन्ग मैच। पेशावर जलमी को इस मैच की इंपॉर्टेंस का पता है कि उन्होंने इस मैच को हारा तो वो खतरे से खाली नहीं है, और अब पीएसएल इज नॉट अ नॉट अ एवरीडे जोक लाइक पीएसएल 1, 2, 3, 4 जहां पर कोटक रेडियर पेशावर जलमी बड़े आराम से पहुंच जाती है। उनको मालूम है कि अब हम सीजन 5 में एंटर हो चुके हैं और बाकी टीमें मैच्योर हो चुकी हैं। Exactly. तो कोयटा की तरह पेशावर के दिमाग में भी खतरे की घंटी जो है वो बजना शुरू हो गई है कि भाई कुछ होने वाला है, तो दे विल गो विद अ फुल एफर्ट। मैं इसको देख रहा हूं, उनको दो मैच जो उनके रह गए उसमें से एक जीतना मुझे लगता है कि वो लाजमी है अगर क्वालिफाई करना, अगर मैं गलत नहीं, और वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे इस मैच को हार। मजे की बात यह है कि अगर आप दोनों को इसमें पता होगे जो इनका लास्ट, यानी अभी ट्यूजडे तो मैच ये लाहौर के साथ खेल रहे हैं, आपको मालूम है इनका दूसरा मैच किसके साथ है डॉक्टर अदनान? मुल्तान सुल्तान के साथ। तो देखिए, तो जलमी जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि यही जो है वो रफा दफा करके जो है अपने आप को बचा लें, कलंदर जो है अपने आप को बचा लें इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद सुल्तान्स। उनको मालूम है कि सुल्तान के अंडर प्रेशर भी होंगे, सुल्तान के साथ नेक भी होंगे, माजी में सुल्तान को वो हरा भी चुके हैं, लेकिन वो आखिरी गेम का रिस्क कभी नहीं लेना चाहेंगे। तो आई थिंक पेशावर विल गो 100%, लेकिन ये मत भूलिएगा कि लाहौर विल नॉट गो 100%। मैं दोबारा अभी भी यही कहता हूं कि क्यों लाहौर फेवरेट होगा इस गेम के लिए, क्योंकि लाहौर नथिंग ऑन स्टेक्स। मालूम है कि वो सारे मैच जीतने के बाद वो क्वालिफाई कर सकते हैं प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अभी भी उनको मालूम है कि हम तो बॉटम टीम है, जीत रहे हैं विद द एफर्ट ऑफ वन मैन शो और टू प्लेयर्स परफॉर्मिंग इन द टीम, लेकिन नथिंग ऑन स्टेक। बट पेशावर जलमी once the champions, the most time finalists along with the gladiators and united, they are having lot of things at stake. जी जीशान, बिल्कुल। मैं यही कहूंगा कि पेशावर जलमी को जो दो में से एक मैच जो है लाजमी जीतना ताकि वो सिक्योर कर लें अपने क्वालिफाइंग राउंड के लिए। और मैं चाहूँ, मेरा ये यानी कि मानना होगा, ये जिस तरह से मैं इसको इस बात को समझता हूँ कि पेशावर जलमी जो है इजी नहीं लेगी लाहौर कलंदर को, और वो भी जो है ना इस गेम को इजी नहीं लेंगे, वो विन के लिए जाएंगे यकीन। तो एक अच्छा गेम हमें जो है देखने को मिलेगा, और लाहौर कलंदर के पास कोई चांस नहीं है कि वो पेशावर के साथ में हार जाए या फाइट बैक ना करे। तो एक अच्छा गेम जो है हमें परसों देखने को मिलेगा, लेकिन पेशावर में जो जिस तरह आमिर आपने बताया कि आखिरी जो मैच है वो मुल्तान सुल्तान के साथ है, वो है मुल्तान सुल्तान और तो शायद हो सकता है एक्सपेरिमेंट वो मुल्तान सुल्तान करे, वो मैच भी पेशावर के लिए हो सकता है कि इजी हो जाए, या हो सकता है कि अगर लाहौर कलंदर के साथ अगर वो जीत जाए तो पेशावर आदमी जो है थोड़े अपने सीनियर खिलाड़ियों को जो है रेस्ट कराकर कुछ, लेकिन उनकी पहली कोशिश यही होगी कि लाहौर कलंदर के साथ जीत जाए परसों मैच। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पूरी कोशिश यही होगी, और लाहौर कलंदर का कोई चांस नहीं कि वो इस किसी भी मैच को जो है हाथ से जाने दे। अच्छा, अब एंड में जो है अब जाहिर है अब दोनों ट्यूजडे को मैच होगा जब हम देखेंगे, पहले डॉक्टर अदनान आपसे, बैन डंग कामरान अकमल, इन दोनों में जो है आप क्या देखते हैं, जो रोल प्ले करते हैं नजारे, कौन खतरनाक जो है वो ज्यादा होंगे दोनों टीमों के लिए? मतलब क्या आपको लगता है कि बैन डंग जो है वो कामरान अकमल के ऊपर पूरी टीम के ऊपर हावी हो जाएंगे, या कामरान अकमल जो है वो लाहौर को जो है वो उड़ा देंगे, किस में क्या लाइफलाइन चाहिए? लाइफलाइन, देखे ये अब गूगली आई ना, देखे अब आप कुछ तो आपके साथ रह रहे के सीख रहा हूँ ना। चलो डॉक्टर अदनान को देखते हैं, अगर कोई लाइफलाइन, अच्छा लाइफलाइन जो है कोई भी कॉलर अगर डॉक्टर अदनान को लाइफलाइन देना चाहता है तो वो बिल्कुल 5 मतलब 30 सेकंड वैसे तो मैं लाइफलाइन कामरान अकमल से लेना चाहूंगा तो, लेकिन ये है कि मुझे लाइफलाइन प्रोवाइड हो जाए ये क्या होने वाला है। कॉलर अगर लाइफलाइन देना चाहता है डॉक्टर अदनान की, कोई हेल्प करना चाहता है, डॉक्टर अदनान जो है वो गूगली में आकर जो है फंस गए,
तो ये मैं बता दूं कि ये लाइफ लाइन जो है ये कल तक के लिए ओपन है, 24 के लिए, ठीक है, क्योंकि मैच जो है वो परसों है, तो आज जो है डॉक्टर दरान ने जो है वो लाइफ लाइन ले ली है। जिशान, आप किस तरफ जाएंगे, लाइफ लाइन पे जाएंगे या आप इस पर आंसर देंगे? देखिए, कामरान अकमल की खूबी है कि वो कॉन्स्टेंटली जो है लंबी इनिंग्स नहीं खेलते, एक इनिंग के बाद वो कुछ मैचेस लेते हैं 25 या 40 का इंसान वो जो है पार करते हैं, फिर दोबारा जो है वो बड़ी इनिंग खेलता है। और बेन डेन के बारे में कहूंगा कि आपने पिछले 3 मैचेस में देखा क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये तो तजिया है, सवाल ये पैदा हो कि बेन डेन जब बैटिंग, जैसे कि अगर पहले ओवर में लाहौर की 2 विकेटें गिर जाती है और बेन डेन बैटिंग के लिए आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बेन डेन पे दहशत जो है वो फैली हुई है। जैसे कि मैंने आपसे परसों पूछा था, आपने कहा कि कौन सी टीम जीतेगी, आपने कहा लाहौर जीतेगी, आज हो गया। अब मैं पूछा कि कौन जो है हावी रहेगा, कामरान अकमल के बैन डंक, ये छोड़ दें कि कौन आउट हुआ क्या नहीं हुआ, कौन बैटिंग करेगा, इट्स गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्योंकि कामरान अकमल जो है वो एट इज गिवन डे ही इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ही इज अ डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन सिर्फ जहां पर बेन डंक को जो थोड़ा सा एज मिल रहा है कामरान के ऊपर, के कामरान अकमल ओपन करने आएंगे, बॉल मूव हो रहा होगा, एकदम थोड़ा प्रेशर होता है, बेन डंक जब आएंगे तो उस वक्त सिचुएशन बन चुकी होगी या तो जीत की तरफ या बर्बादी की तरफ, तो उनको फिर अपना माइंड एग्जीक्यूट करना है कि मैंने किस तरफ लेके जाना है, जबकि कामरान अकमल के पास अभी इतनी सोच आगे की नहीं होगी कि मैंने कहां लेके जाना है मैच को, वो ब्लाइंडली जा रहे होंगे। और एग्जीक्यूशन में अगर आप देखें तो बेन डंक जो है वो कामरान की निस्बत थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट है, और कामरान अकमल जो है वो उनकी निस्बत थोड़े इनकंसिस्टेंट है, और प्रेशर गेम के अंदर तो बेन डंक भी फेल हुए हैं, कामरान अकमल भी फेल हुए हैं, लेकिन तो ये है कि lot of things we will see it tomorrow, क्योंकि हमने कल भी तो हमने प्रोग्राम को चलाना है ना, कल भी तो पैसे देने हैं, इसीलिए मैंने आज गूगली फेंक दी ना। देखिए, जो लोग इस वक्त हमें नाजरीन देख रहे हैं, डॉक्टर अदनान ने वैसे ही लाइफ लाइन का जो है वो इंडिया दिया है, तो लाइफ लाइन की जो कॉल्स हैं वो हम कल लेंगे। बिल्कुल, आप जो है कल हमें जो है रात 9 बजे जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कॉल कीजिए, और जो परसों मैच होगा फिर उस पर आपसे जो है इनपुट लेंगे कि कामरान अकमल ज्यादा खतरनाक और जो सबसे ज्यादा अच्छा मशवरा देगा ना मुझे, लॉजिक के साथ, लॉजिक होनी चाहिए, उसको हमें गिफ्ट हैंपर देंगे। चलें, ये भी तय हो गया, ये लें, मैच पॉइंट की टीम में जो है वो ये तय अभी कर लिया कि जो भी हमारे नाजरीन कल हमें फोन करके एक लॉजिकल जो है इसका आंसर देंगे डॉक्टर अदनान को, जिशान को, कि भाई बेन डंक या कामरान अकमल क्यों, मतलब अगर वो डेंजर हैं तो कोई लॉजिकल जो है अगर जवाब होंगे तो बिल्कुल मैच पॉइंट की टीम जो है वो आपको गिफ्ट हैम्पर जो है वो बिल्कुल जरूर देगी। तो हमारा नंबर बिल्कुल सेव कर लीजिए, और मुझे वो जो है ना आपके जवाब, आपके जवाब का, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा, पर ब्राय मेहरबानी मुझे बोंगिया नहीं चाहिए, मुझे येलो कलर शर्ट पसंद है तो इसलिए वो परफॉर्म करेंगे, ग्रीन कलर, मुझे लॉजिक्स चाहिए, जिस तरह की आपको आज मैंने स्टैट्स दिए और आपको एक बोछाड़ की आपके ऊपर ना आज के हमने मैच के स्तरियों के बारे में, तो आपने बोछाड़ करनी है मेरे ऊपर कि व्हाई बेन डंक इज गुड देन कामरान अकमल, व्हाई कामी इज बेटर देन बेन डंक, तो ये हम आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, अपने साथ लाइव कॉल्स कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा ले सकें कॉल्स, और जो सबसे जो अच्छा आंसर होगा उसकी हम वोटिंग भी करवाएंगे, और खुद हम तीनों का भी वोट होगा, हम तीनों वोट करेंगे और उसके बाद जो बेहतरीन हमारा जो जवाब होगा उसको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे। जी हाँ, और अगर कोई प्रेडिक्ट करना चाहता है कि जो है लाहौर कलंदर जीतेगा या पिशावर जलमी जीतेगा, तो ये भी प्रेडिक्शन जो है वो कल आकर, क्योंकि कल मैच नहीं होगा तो हम इस चीज का सेगमेंट रख लेंगे डॉक्टर अदनान के, जाहिर परसों के मैच की प्रेडिक्शन भी ले लेंगे कल कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी, कौन सी टीम जो है हार रही है। तो इंशाल्लाह जो है कल जो है वो बहुत मजेदार जो है वो मैच पॉइंट होने जा रहा है, जिसमें इनामात भी होंगे और बहुत सारे जो है, डोंट फॉरगेट जी, किलर फैक्टर, क्योंकि आज डॉक्टर अदनान ने होल्ड किया है किलर फैक्टर हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ, कि भाई हम किलर फैक्टर को जो है वो कल पे मूव कर रहे हैं, और कल जो है वो डॉक्टर अदनान किलर फैक्टर भी लेकर आएंगे आपने तमाम नाजरीन के लिए जो मैच पॉइंट इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे ई आवाज़ टीवी पे और हमारे फेसबुक पेज पे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान और जिशान, आज के लिए बहुत अच्छा तबसरा रहा, बहुत अच्छा रहता है प्रोग्राम, और बहुत सारे लोग जो हैं इसको पसंद कर रहे हैं, मैसेजेस आते हैं हमारे पास कि इस प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। बिल्कुल जो है डॉक्टर अदनान और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम को, जैसे कि 7 दिन हम आपके लिए जो है प्रोग्राम लेकर आएंगे, तो कल भी इंशाल्लाह मैच पॉइंट की टीम रात 9 बजे जो है आपके सामने हाजिर होगी। तो मुझे डॉक्टर अदनान को, जिशान को जो है इस वक्त इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सेहत रही और ज़िंदगी रही तो कल फिर इसी प्रोग्राम में शामिल होंगे जिसका नाम है मैच पॉइंट। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। We'll be right back.